नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है, परंतु अभी वर्तमान में अवैध रूप से काले कारोबारी इसे तहस नहस करने में लगे हुए हैं। हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई और कारोबार किसी से छुपी नहीं है। अवैध कारोबारियों द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्थिति को देखकर बालोद जिले के जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर चिंतित होते हुए लोगों से गुहार लगाई है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, क्योंकि ये हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसलिए पेड़ और पौधों को अपने बच्चों जैसा पोषित करने के लिए सजग होकर रोपण करें। साथ ही कुदरत के अनमोल धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता को यथा बनाए रखने के लिए लोग बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करें। डोंडी लोहारा क्षेत्र की सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर फलदार पौधों का रोपण किया, तो वहीं गैर जरूरी कटाई के लिए ग्रामीणों ने शपथ ली कि भविष्य में पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे और अभियान चलाकर लोगों को नहीं काटने के लिए सजग और निवेदन करेंगे। पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देने के लिए जिले की वन विभाग भी बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जंगल बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर मनुष्य एक पेड़ जरूर लगाए। इसी तरह से हरी भरी प्रकृति की अनमोल धरोहर की छटा को चारों ओर बिखेरें। परिचय देंगे। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, ग्राम पंचायत बीजाभाटा सरपंच। और ये पौधारोपण के बारे में जो जानकारी हमको मिला है वो वातावरण को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए अत्यंत जरूरी है। प्रति आदमी को एक पौधा जरूर लगाने चाहिए। आज के समय के हिसाब से पर्यावरण में इतना प्रभाव पड़ रहा है। तीजा ग्राम निकाम सरपंच ग्राम पंचायत बगई के हैं, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से ओजोन परत में भी फर्क पड़ रहा है। आज गाड़ी मोटर के धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। चूँकि पर्यावरण संतुलन के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जितनी मात्रा में पेड़ पौधे होनी चाहिए, बल्कि जिस मात्रा में उसकी कटाई की जा रही है, इसलिए पर्यावरण को मैं रोहित कुमार ठाकुर, सरपंच जिला बालोद छत्तीसगढ़, जो कि मैं पेड़ पौधे संबंधित कुछ आपको आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पेड़ पौधे से वायुमंडल स्वच्छ होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित एवं नियमित ऊर्जा समय पर होता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। साथ ही श्रीमती रोहिणी साहू, सरपंच ग्राम पंचायत गंजेडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। पेड़ पौधे हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेगा तभी हमारा मतलब गांव और हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा। पेड़ पौधे का अधिकतर कटाव होता जा रहा है, जिससे पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। इसका रोकथाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है और साथ साथ गांव के साथ साथ अपने पूरे देश को जागरूक करना बहुत ही आवश्यकता है उसका। और ये हम जो सरपंच का जो नागरिक जो सरपंच बने हैं उसका मेन ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो कुमार शर्मा, आप सभी ग्रामवासी एवं ब्लॉक स्तर के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, पदाधिकारी है, मैं उन लोग को यह बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आजकल क्या है, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास साधन की बहुत कमी है। तो उस कमी से को पूरा करने के लिए अभी मौसम के आधारित पर्यावरण का कार्य चल रहा है, जिसमें अपन अगर पर्यावरण में अगर एक पौधा भी लगा देते हैं, एक पौधा से बहुतों को जीवन मिल सकती है, क्योंकि पौधा से ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो मैं समस्त ग्रामवासी एवं देशवासी भाइयों बहनों से मैं निवेदन